नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका आप भी बने करोड़पति के इस पहले एपिसोड में। आज के हमारे कंटेस्टेंट हैं राजस्थान के अलवर जिले से श्री राहुल कुमार। स्वागत करते हैं उनका तालियों के साथ। तो जी राहुल जी, आप इतनी दूर से हमारे शो में आए, तो अपने हमारे जो ऑडियंस है उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ तक आपकी क्या आपकी क्वालिफिकेशन है और आप क्या करते हैं अभी ये सब। जी जी, पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मुझे ये मंच पर आने का मौका मिला। मैं एक छोटे से गांव अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। जी बहुत 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 अच्छा लगा कि आप सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं। तो उससे पहले हम आशा करते हैं कि आप यहाँ पर उन्हें आप सरकारी से, क्योंकि आप सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से इन क्वेश्चंस के बारे में जानकारी हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से एक अच्छी खासी धनराशि यहाँ से जीत के लेके जाएं। तो शो शुरू करने से पहले हम आपको हमारे खेल के नियमों के बारे में बता दें। आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे जिनकी प्राइज लिस्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दिखाई गई है। और हम आपको बता दें कि पहले क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको उसके लिए प्राइज मिलेगा 10 रुपये, दूसरे के लिए 20 रुपये, तीसरे के लिए 50 रुपये। इसी तरह से जीतते जीतते आपको 10वें क्वेश्चन तक 1500 रुपये का धनराशि आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। टोटल 10 क्वेश्चनों में आपको यहाँ पर 2 पड़ाव मिलेंगे। पड़ाव से मतलब है कि आप तीसरे क्वेश्चन तक आपने अगर आपने पहले क्वेश्चन का जवाब गलत दे दिया तो आप तुरंत गेम से बाहर हो जाएंगे। अगर आपने 3 क्वेश्चन तक का सही जवाब दे दिया तो 50 रुपये की धनराशि आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपसे वो 50 रुपये कोई नहीं ले सकता। उसके बाद दूसरा पड़ाव आपको 6ठे क्वेश्चन पर मिलेगा, वहाँ पर आपकी 250 रुपये की धनराशि सुनिश्चित हो जाएगी। और उस तरह से आप 10वें क्वेश्चन तक 1500 रुपये के लिए खेलेंगे। याद रखिएगा कि अगर आप तीसरे 6ठे क्वेश्चन के बाद किसी भी क्वेश्चन का अगर गलत जवाब देते हैं तो आप 250 रुपये पर ही वापस आ जाएंगे। आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप चाहें तो किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो उसको आप क्विट कर सकते हैं और जितनी धनराशि आप जीत चुके हैं वो आपकी रहेगी। अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो आपके आप पिछले पड़ाव पे आकर के रुक जाएंगे। और इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 जीवनदान रहेंगे। एक रहेगा रिप्लेस द क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको बदल करके दूसरा क्वेश्चन के लिए डिमांड रख सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन होगी या जीवनदान, दूसरा जीवनदान होगा डबल क्लिक। डबल क्लिक में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप 4 ऑप्शन में से किन्हीं भी 2 ऑप्शंस में आप टिक कर सकते हैं। अगर दोनों में से आपका कोई भी सही हुआ तो भी आपका वो सही माना जाएगा। आप दोनों लाइफलाइन को 10वें क्वेश्चन के अलावा 1 से लेकर के 9 तक कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इनका क्रम नहीं है, आप किसी भी लाइफलाइन को किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको नियम समझ में आ गए होंगे। करते हैं आज का खेल। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हिंदी भाषा के प्रचलित मुहावरे, अंधों में डैश राजा में खाली जगह में, निम्न में से कौन सा ऑप्शन आएगा? 1 काना, ऑप्शन बी गूंगा, ऑप्शन सी बहरा, ऑप्शन डी चतुर। क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। 30 सेकंड का आपका समय रहेगा। मुझे लगता है ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए, काना। आप श्योर हैं? जी मैं श्योर। ठीक है कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। बहुत बहुत बधाई हो, आपका आंसर सही है। आप जीत चुके हैं 10 रुपये की राशि। क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर।
हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। मुझे लगता है डी के साथ जाना चाहिए, बृहस्पति। ऑप्शन डी लॉक किया जाए। बहुत बहुत बधाई हो, आप जीत चुके हैं 20 रुपए। कंप्यूटर स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। अच्छा तो आप लाइफलाइन लेना चाहते हैं? घड़ी वहां से जी रुक जाइए। हाँ तो हमारे ओ श्री राहुल शर्मा जी लाइफलाइन रिप्लेस द क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो ठीक है कंप्यूटर वहां से जी क्वेश्चन बदल कर पेश किया जाए। भारत का लोह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बहुत बधाई हो, आप जीत चुके हैं 50 रुपए। साथ ही आप क्रॉस कर चुके हैं पहला पड़ाव, इसका मतलब है कि 50 रुपए की धनराशि तो आप यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तो बढ़ते हैं गेम के अगले पड़ाव की तरफ, और इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत में जल्द ही संचार क्रांति की कौन सी पीढ़ी की सेवा लॉन्च होने वाली है? ऑप्शन ए 3G, ऑप्शन बी 4G, ऑप्शन सी 5G, ऑप्शन डी 6G। मुझे ऑप्शन सी सी के साथ जाना है, 5G। सी को लॉक कर दें। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मतलब आप 5G को लॉक करना चाहते हैं? जी जी कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन सी लॉक किया जाए। बधाई हो, आप जीत चुके हैं 100 रुपए। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी का नाम बताइए। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी आनंदी बाई पटेल, ऑप्शन सी अंजुम आरा, ऑप्शन डी किरण बेदी। मैं डी के साथ जाना चाहता हूँ, किरण बेदी। डी को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर वहां से जी ऑप्शन डी लॉक किया जाए। जी बधाई हो, आप जीत चुके हैं 150 रुपये। और इसी के साथ हमारे दूसरे पड़ाव का अंतिम क्वेश्चन, अगर आपने ये क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो 250 रुपये आपके हो जाएंगे, तो जरा ध्यान से खेलिएगा। ऑप्शन दूसरे पड़ाव का अंतिम क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है? फिल्में तो देखते ही होंगे वैसे राहुल जी आप, जी जी, तो उसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आशा करता हूँ कि आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है? ऑप्शन ए SS राजामौली, ऑप्शन बी संजय लीला भंसाली, ऑप्शन सी प्रभास, ऑप्शन डी विधु विनोद चोपड़ा। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। मुझे लगता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए, प्रभास। श्योर है राहुल जी? आप कह रहे थे कि फिल्में आप देखते हैं, तो आशा करते हैं आप सही खेल रहे होंगे। आपको एक चीज और बता दें कि अगर आपने इस क्वेश्चन का गलत जवाब दिया तो आप सीधे गिर के 50 रुपये पे आ जाएंगे। आप चाहे तो बीच में गेम छोड़ भी सकते हैं, जितना आप धनराशि 150 रुपये आप जीत चुके हैं वो भी ले सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें अभी आपके पास एक लाइफलाइन भी बची हुई है, और तो क्या करना चाहेंगे आप,
ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे या फिर अभी कुछ सोचना है? समय आपका कम होता जा रहा है। मुझे लगता है मुझे ऑप्शन सी के साथ ही जाना चाहिए। लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन सी लॉक किया जाए। तो राहुल जी, आप कह रहे थे कि आप फिल्में देखते हैं, आपको फिल्में देखने का बहुत शौक है, तो क्या बाहुबली मूवी आपने नहीं देखी? आपके पास एक लाइफ लाइन भी बची हुई थी। बाहुबली ये तो बहुत चर्चित फिल्म है, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये गलत आंसर है। इसका सही जवाब है SS राजामौली। हमें बड़ा दुख हुआ, आपके पास एक लाइफ लाइन भी थी, अगर आप चाहते तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं, आपने 50 रुपये जीते, बहुत बहुत बधाई हो। तो राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ खेल करके, और आपके हम धनराशि आपके खाते में भेज देते हैं, आपने 50 रुपये जो जीते हैं, और ये 50 रुपये आपके खाते। राहुल जी, वैसे हमें खुशी भी है कि आप यहाँ से 50 रुपये जीत कर जा रहे हैं, आप इस मंच पे आए, और दुख इस बात का है कि आप और भी अच्छा आगे तक खेल सकते थे, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको और साथ ही साथ हमारे सारे ऑडियंस के लिए एक जरूरी खबर है कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में एक क्वेश्चन आपको डिस्प्ले किया जाएगा, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उनमें से किसी भी एक लकी कमेंट को चुन करके वीडियो कॉल के थ्रू भी आप हमारे साथ खेल सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।